नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, और वो ये है कि जो भारत के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो 8 स्टेट हैं, जैसा आप मैप में भी देख सकते हैं, इन सभी 8 स्टेट में, भारत के इन 8 स्टेट्स में हिंदी को कंपल्सरी किया जाएगा 10वीं क्लास तक, यानी 10th क्लास तक हिंदी एक कंपल्सरी लैंग्वेज बनाई जाएगी। तो यहाँ पे एक फियर भी लोगों के द्वारा रेज किया जा रहा है, क्या हिंदी को थोपा जा रहा है और क्या रीजनल भाषाएं कहीं खत्म हो जाएंगी। तो इसमें अमित शाह जी ने साफ साफ कहा है कि हिंदी का जो उपयोग रहने वाला है वो रहने वाला है एज अ थर्ड लैंग्वेज। ऐसा नहीं होगा कि किसी रीजनल लैंग्वेज के कॉस्ट पे हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। जो लोकल लैंग्वेज है वो एज इट इज उन पर जो स्टेट्स का जो इम्फेसिस है वो बना रहेगा। तो हिंदी विल बी दैट थर्ड लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल किया जाएगा लिंक करने में देश को। तो आज ही इसके साथ हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे आप न्यूज में देख सकते हैं, हिंदी एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश की तरह इसको प्रमोट किया जाएगा, और लिंक करने में देश के अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके लिए हिंदी विल बी दैट लिंक लैंग्वेज। तो आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, जाके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसके सिवा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है हिंदी को कंपलसरी किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्लास 10 तक। ऐसा भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, श्री अमित शाह जी, उन्होंने ऐसा कहा है, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी है, हिंदी विल बी एन ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस के कीमत पर हिंदी को नहीं इम्पोज किया जाएगा। इसके सिवा अमित शाह जी ने बताया कि 22,000 टीचर जो हिंदी में पढ़ाएं, हिंदी के 22,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और ये इसी को अचीव करने के लिए एक स्टेप होने वाला है। जो सेंटर की मूव है जिसके द्वारा हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाएगा स्कूल्स में अक्रॉस 8 स्टेट्स, इसको कहीं ना कहीं लेके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कह रहे हैं कि हिंदी को कहीं आप थोप तो नहीं रहे, कहीं हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो डाइवर्सिटी आप कहीं खत्म तो नहीं कर देंगे। तो आइए इसी न्यूज़ के बारे में और जानते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताऊं, तो अगर हिंदी की बात करें तो 9 ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उन्होंने ऑलरेडी देवनागरी स्क्रिप्ट में अपनी भाषा को लिखना शुरू कर दिया है। तो देवनागरी काफ़ी तेजी से वहां पे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इसके सिवा ये जो फैसला लिया गया है दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी का 37th मीटिंग में ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया, और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम भारत की यूनिटी को और मजबूत करने के लिए हिंदी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हम मौका दें, और उसको हम और मजबूती से भारत को लिंक करने में इसके लिए इसको हिंदी को हम प्रमोट करें। तो होम मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदी लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो है ही, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, एंड इसको सिटीजन्स के द्वारा, हर राज्य के सिटीजन्स के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, स्पेशली जब आप दूसरे किसी राज्य के व्यक्ति से मिल रहे हैं, दूसरे किसी लैंग्वेज के व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो उनसे जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो हिंदी शुड बी दैट ब्रिज लैंग्वेज, जो कई बार अंग्रेजी भी ये रोल अदा कर रही है, तो अंग्रेजी की जगह ये हिंदी वो रोल प्ले करे, अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच में वो संपर्क करने की एक भाषा बन सके। तो हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश, लोकल लैंग्वेजेस की कॉस्ट पे हिंदी को नहीं लाया जाएगा, इंग्लिश के जगह हिंदी को प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया में आपको कहना चाहूंगा, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होता, नहीं है, हिंदी में ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों, 37th मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी में ये फैसला लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी क्या होती है, जल्दी से जान जाइए। तो इसको कहते हैं कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये 36th मीटिंग की फोटो लगाई है, वैसे ही जो फैसला लिया गया है ये लिया गया है 37th मीटिंग में। तो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की स्थापना 1976 में हुई थी, किसके अंदर हुई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के सेक्शन 41 के अंतर्गत इसकी, आप देखें तो इसको बनाया गया था। और इसकी क्यों बनाया गया था, इसकी कुछ ड्यूटी है, वो ड्यूटी ये है कि किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है हिंदी को यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस में इस्तेमाल करने के लिए, किस प्रकार से क्या प्रोग्रेस हुई है, हिंदी को कितना ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड ऑफिशियल पर्पसेस में कितना यूज़ कर रहे हैं, और इसी के अनुसार वो रिकमेंडेशन बनाती है और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भी प्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट भी यहाँ पे हाथ में इनके है, जो कि प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, लेकिन इस जो प्रोपोजिशन है हिंदी को
कंपलसरी किया जाएगा और भी ज्यादा एक नई एनर्जी के साथ प्रमोट किया जाएगा। इसको कुछ अपोजिशन भी देखने मिल रही है, कुछ रीजनल पार्टीज हैं वो इसको कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, ये लोगों के द्वारा डिमांड नहीं है, बस ऊपर से थोप रहे हैं आप इसको। इसके सिवा कहीं ना कहीं ये मूव देश को यूनाइट करने की जगह और तोड़ देगा। ये जो रीजनल भाषाओं की डिमांड है वो रीजनल लैंग्वेज पॉलिटिक्स वापस से तेजी से देखने में मिलेगी। इसके सिवा अपोजिशन पार्टीज भी इसको कंडेम कर रही है और कह रही है इंडिया के प्लूरलिज्म पर असॉल्ट है और ये एक हिंदी इंपीरियलिज्म होने वाली है। तो अब सवाल उठता है हिंदी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों हिंदी को प्रमोट करने के पीछे कारण है कि यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको हिंदी को प्रमोट करना है। तो ये कुछ अलग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें आर्टिकल 351 है जो कहती है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यूनियन इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो डायरेक्टिव देती है। क्या है तो यूनियन की कुछ ड्यूटी है। सबसे पहले तो आप देखें तो यूनियन की ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे, स्प्रेड करे एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। जो भारत का कॉम्पोजिट कल्चर है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन सभी के बीच में एक ब्रिज लैंग्वेज की तरह प्रमोट करवाना है एंड हिंदी को एज अ लिंक लैंग्वेज डेवलप करवाना है। ये यूनियन की प्रेरोगेटिव, ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट को दी है। नंबर वन। नंबर टू, हिंदी अब कैसे डेवलप की जाए। दोस्तों हिंदी एक बहुत ही नई लैंग्वेज है, अनलाइक आप जानते ही हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अनलाइक क्लासिकल लैंग्वेजेस जिनका बहुत पुराना इतिहास है, हिंदी एक नई भाषा है जो कि अपनी वोकैबुलरी, आप देखें तो इंडिया में अलग अलग भाषाएं चल रही हैं उनको मिक्स करके, एमलगमेट करके, वोकैबुलरी लेके संस्कृत से एंड अन्य भाषाओं से उठा के आप देखें तो वोकैबुलरी को मजबूत किया गया है। तो इसी में आप देखें तो आर्टिकल 351 कहती है कि हिंदी को हमें और ज्यादा इसी प्रकार से रिच करना होगा। अब रिच करने के लिए जाहिर सी बात है जो लैंग्वेज की वोकैबुलरी है, नए वर्ड्स हैं, कुछ मुहावरे हैं, वो सब हिंदी में इनकॉर्पोरेट करवाने होंगे। तो अब उसके लिए 8th शेड्यूल बनाया गया था। तो 8th शेड्यूल का पर्पस क्या हुआ करता था, जो आप देख सकते हैं 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो हिंदी को जो हमें डेवलप करवाना है उसमें इन सभी लैंग्वेजेस से हमें कुछ कुछ लेना है और सो दैट हिंदी एक बढ़िया लिंक लैंग्वेज बन के उभर सके। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट टू यही कह रहा है, टू सिक्योर द एनरिचमेंट ऑफ हिंदी बाई असिमुलेटिंग यानी इनकॉर्पोरेट करवाइए विदाउट इंटरफेयरिंग विद इट्स जीनियस। हिंदी को पूरे तरीके से तोड़ मरोड़ भी मत दीजिए लेकिन असिमुलेट करवाइए। आप देखें तो अलग अलग हिंदुस्तानी के फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन जो हिंदुस्तानी में यूज किए जाते हैं और अन्य ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, अन्य लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जो कि 8th शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं, उन सभी से कुछ कुछ अच्छी चीजें लीजिए और उसके द्वारा असिमुलेट करवा के हिंदी को एनरिच करवाइए। तो वोकैबुलरी जो होगी वो प्राइमरीली ऑन संस्कृत एंड सेकेंडरीली ऑन अदर लैंग्वेजेस एज शोन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द लैंग्वेजेस। तो आप देख सकते हैं ये 8th शेड्यूल में ये सारे लैंग्वेजेस हैं। लास्ट आप देखें तो 2003 में मैथिली ऐड किया गया है, इसके सिवा बोडो ऐड हुआ है, डोगरी ऐड हुआ है, इसके सिवा आप देखें तो संथाली को भी 2003 में जगह मिला है 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस में। तो अब इश्यूज क्या है इस प्रकार के हिंदी से यदि प्रमोट किया जा रहा है। पॉजिटिव्स तो हम समझ गए कि लिंक लैंग्वेज की तरह इसको डेवलप करवाना है, तो कुछ इश्यूज भी हैं। इश्यूज अगर आप देखें तो सबसे पहले तो एक प्रमोशन जब आप हिंदी का करेंगे तो इसको कई लोग कहेंगे कि ये थोपा जा रहा है, दिस इज एन इम्पोजिशन। एंड ये कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है जो भारत में कुछ कम होनी शुरू हो रही थी उसको वापस से एक बढ़ावा मिल जाएगा और रीजनल आइडेंटिटी, सन ऑफ द सॉयल, ये सारी चीजें भी देखनी मिलनी शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में कुछ कल्चरल एलियनेशन भी हो जाएगा क्योंकि आप देखें तो कोई लैंग्वेज जो होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ एक भाषा नहीं है बोलने चलने की, उन भाषाओं में कहानियां होती हैं, उन भाषाओं में उनका कल्चर होता है। तो अगर वो रीजनल लैंग्वेज कहीं ना कहीं दब गए तो वो सारी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इरोड होने लग जाएगी और वो कल्चरली एलियनेट होने लग जाएंगे। हालांकि भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि हिंदी विल नॉट रिप्लेस द रीजनल लैंग्वेज, इसका रोल होने वाला है इंग्लिश के जगह हिंदी को प्रमोट करवाना है। इसके सिवा आपको मालूम ही है कि इस प्रकार के अगर हिंदी को प्रमोट किया जाएगा तो एक पॉलिटिकली इसको यूज किया जाया जा सकता है एंड कहीं ना कहीं एक सन ऑफ द सॉयल वाली फीलिंग भी आपको देखने मिलेगी, जहां पे आप देख सकते हैं कई स्टेट्स में कहा जाता है कि यहाँ आए हो तो ये भाषा तो बोलनी पड़ेगी, सीख के आओ। तो इस प्रकार की जो फीलिंग है इसी को कहते हैं सन्स ऑफ द सॉयल, हमारा अधिकार सबसे पहले है, हमारे रिसोर्सेज पे, ये भाषा नहीं आती तो आप यहाँ के नहीं हो। तो इस प्रकार की जो फीलिंग है कहीं ना कहीं इनको प्रमोशन मिलेगा।
अब जानते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की क्या मशीनरी है हिंदी को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले तो भारत का है सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, ये अगर आप देखें तो ये इंगेज करता है सो दैट हिंदी को नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में प्रमोट किया जाया जा सके, प्रोपोगेट किया जाया जा सके और अलग अलग स्कीम्स ये इंप्लीमेंट करता है। इसके सिवाय केंद्रीय हिंदी संस्थान है KHS, ये ऑटोनोमस बॉडी है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। इसका भी पर्पस यही है कि हिंदी की टीचिंग ट्रेनिंग को नेशन वाइड प्रमोट किया जाया जा सके, सो दैट आर्टिकल 351 में जो यूनियन के ऑब्लिगेशन है हिंदी को एज अ लिंक लैंग्वेज डेवलप करवाना, प्रमोट करवाना, वो सारी चीजें केंद्रीय हिंदी संस्थान करवाती है। दोस्तों एक थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी है जो कि एक हेल्दी बैलेंस कहा जाता है। तो ये क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला? तो इसके सबसे पहले डिवाइस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1968 में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसके पीछे जो आइडिया थी वो ये थी कि हर स्टूडेंट तीन लैंग्वेज कम से कम सीखे। तो फॉर्मूला को पूरे देश भर में इंप्लीमेंट किया गया, खाली एक्सेप्शन आप देखें तो तमिलनाडु था 1968 में जिसने दो लैंग्वेज फॉर्मूला को अडॉप्ट किया। तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 1968 में सबसे पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया था और इसमें कहा था कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो इंग्लिश बोले, हिंदी बोले और भारत की कोई अन्य मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोले, और वहीं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलें, सीखें, इंग्लिश सीखें और हिंदी भी साथ साथ सीखें। वहीं अगर आप देखें तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, इसमें भी वापस से थ्री लैंग्वेज फार्मूला देखने मिल रहा है। तो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की वो कहती कि हर स्टूडेंट तीन लैंग्वेज उनको सीखना चाहिए स्कूल में। तो अब चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड करेगा वो कौन से स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनका कहना है कि मैंडेटरी है कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस तो सीखे, जिसमें से दो लैंग्वेज जो वो सीख रहा है तीन में से दो तो नेटिव भाषा होनी ही चाहिए, यानी एक हिंदी हो और अन्य कोई लोकल या रीजनल लैंग्वेज हो और तीसरा वो अन्य कोई इंग्लिश वगैरह सीख सकता है। तो ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखने मिलेगा कि मैंडेटरी है एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस भारत के नेटिव भाषाएं हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कम से कम दो तो ऐसी भाषा तमिल, तेलुगु, बोडो, संथाली कुछ होनी चाहिए इस प्रकार की। बाकी आप देखें तो एक रीजनल लैंग्वेज, एक दूसरा कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही आपको जानना बहुत जरूरी था आज की क्लास में। तो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अन अकेडमी आप देख सकते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। UPSC कॉम्बैट हम रन कर रहे हैं April 10, 2022 को। इसके सिवा पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स है, अन अकेडमी स्टोर जयपुर में हमने लॉन्च किया है तो आप जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा। ईस्टर स्पेशल ऑफर है, 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ फ्री मिल रहा है, वैसे ही 12 एंड 18 मंथ के साथ 3 मंथ फ्री है, 24 एंड 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 मंथ फ्री है। तो निश्चिंत होकर यूज करें कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल मेरी मेंटरशिप मिलती है। अन अकेडमी लाइट प्रोग्राम है दोस्तों, आप देख सकते हैं उसमें भी आप KC10 कोड से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं तो अगर आप या आपके दोस्त इंटरव्यू देने वाले हैं तो उनको जरूर कहिएगा हमारे साथ जुड़े, एनरोल करें, मॉक इंटरव्यू का फायदा उठाएं। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है, इन सब का फायदा आपको मिलता है। तो जो 1 ईयर की प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी कीमत है 46,791, एक साल की आइकॉनिक की कीमत है 67,041, एक साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको फ्री मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलती है। 0% EMI में आपको हम लोन भी ऑफर कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो लोन के लिए आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लास चल रही है संडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM, निकालो प्रीलिम्स चल रहा है दोस्तों, मॉक टेस्ट है जिसमें हमने 2020 के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, 2022 के भी करंट अफेयर्स खत्म होने वाले हैं और उसके बाद हम 2021 का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। बाकी प्लस कोर्स भी है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी दोनों की है, उसमें भी आप जरूर एनरोल कीजिएगा और KC10 कोड का इस्तेमाल करें। इसके सिवा नए बैचेस हैं जो कि आने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश 1 ईयर 2 ईयर अलग अलग बैचेस हम रन कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा भी आप जरूर बने। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अन अकेडमी में हमारी क्लास लर्नर रेटिंग 4.4 out of 5 है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है, तो इन सभी का फायदा आप उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो।